अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिविल सेल्स में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज में किस्त पर। त्यौहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे। एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वॉलफोल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिविल सेल्स बुगनिया रोड पुराना किला मोड़, संपर्क करें 0154-796-734। सिवान शहर के मौलाना मजहरुल हक कॉलोनी में शाइनिंग स्टार किड्स पैराडाइज स्कूल का ब्रांच का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सिवान के पूर्व सांसद और विकास पुरुष के नाम से मशहूर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने फीता काटकर किया। इस दौरान स्कूल संचालक प्रोफेसर डॉक्टर राशिद हसन सिबली ने बताया कि नर्सरी से कक्षा 6वीं तक के छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा हेतु स्कूल का शुभारंभ किया गया है, जहां पर बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चे भविष्य में कहीं भी पढ़ाई के उद्देश्य से जाएंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होगी। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा स्कूल संचालक प्रोफेसर डॉक्टर राशिद हसन सिबली ने। ये हमारा तीसरा ब्रांच है और ये हमने छोटे बच्चों के लिए नर्सरी से सिक्स के लिए शाइनिंग स्टार किड्स पैराडाइज के नाम से जो है इनोवेट किया है, जिसका मेन एम है कि छोटे बच्चे से उस बच्चे को एक ऐसा एजुकेशन दे कि बच्चा कहीं भी मुल्क के किसी भी कोने में जब वो जाकर खड़ा हो उसको कोई हेजिटेशन ना हो कहीं पर जो है किसी बड़े कॉलेज में बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं भी जाए तो हमारे खासकर हमारे बिहार के बच्चे एक हेजिटेशन फील बाहर जाने के, तो हम चाहते हैं कि मैं ऐसा बच्चा तैयार करूँ जो बच्चा कहीं भी खड़ा हो तो उसको कोई हेजिटेशन फील नहीं, ये बड़ी बात वो तभी होगा जो उसका लैंग्वेज जो है वो उसको इंग्लिश पे थोड़ा पकड़। इसी वजह से हम लोग अभी इस साल नर्सरी से फ्री एडमिशन लिए जिसमें ऐसे टीचर्स को रखेंगे जो सिर्फ इंग्लिश में बच्चों से बात करें, छोटे बच्चों से जैसे कम्युनिकेट करेंगे जिस लैंग्वेज में बच्चा वही सीखता है। ये बात है कि बच्चे स्कूल में 5-6 घंटे रहते हैं, ज़्यादातर घर पर रहते हैं, घर का माहौल वैसा नहीं होता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चा इतना ट्रैक पर आ जाए कि उसको कहीं परेशानी नहीं हो। और इस ज़माने में जो भी नया टीचिंग एड है, टीचिंग मटेरियल्स है, उसके जरिए उसको पढ़ाया जाए। सिवान में ऐसे भी कोई गरीब फैमिली है जो बड़े बड़े बिल्डिंग देख के फिर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते, उन लोगों के लिए क्या? देखिए आप मेरा फीस देखिएगा, फीस जो है मेरा सबसे कम फीस रहता है हमेशा, ये जो मिडिल क्लास के बच्चे पढ़े, और सच ये है कि हमारे ज्यादातर हमारे स्कूल में वही बच्चे हैं। सर एक सवाल है, इस प्ले ग्रुप का मतलब होता है कि प्ले छोटे बच्चे 2-3 साल जो नर्सरी से आप तक दूरी है 3 साल के बाद उनको मैनेज करने के लिए सिस्टम सारा अवेलेबल है। हाँ सर, नहीं ना देखिए वो जो बड़े बड़े सर दिल्ली में या बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में वो अगर अलग है, वो यहाँ किसी छोटे शहरों में नहीं है वो, इसलिए कि यहाँ सब जितनी लेडीज है माँ बाप के पास पूरा वक्त है बच्चों को संभालने, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को 2 साल का ला के स्कूल में रख दे वो नौकरी करने जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, बच्चों को खेल खेल में समझाने के लिए क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं? सब जितने भी टीचिंग एड है जी सब